हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो शेयर्स के बारे में, एक है यस बैंक और एक है BHEL। इन दोनों ही शेयर के बारे में बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सारी डिटेल बताने का ट्राई करूंगा। अगर हम बात करें यस बैंक के बारे में तो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है यस बैंक के लिए। कल है 10 जून, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कल बहुत बड़ा यहाँ पर दिन हो सकता है यस बैंक के लिए, और इसके शेयर प्राइस में बहुत बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट आ सकता है। वहीं अगर हम बात करें BHEL के बारे में तो मनी कंट्रोल की तरफ से एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है, जिसमें इन्होंने इसके जो टारगेट्स हैं वो बताए हैं और आपको अभी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए वो सारी चीज़ें भी बताई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास यस बैंक या BHEL में से कोई भी शेयर है या फिर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आज के मार्केट सिनेरियो के बारे में बात करें, आज यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव साइड में क्लोज हुई है, जो कि एक अच्छी बात निकल के आती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इतने दिनों से अगर आप देख पा रहे होगे मार्केट डेली ऑल टाइम हाई बना रहा था। वहीं अगर आप देखोगे तो लोगों को कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि आखिर वो क्या रीज़न निकल के आ रहा है जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाती जा रही है। तो वहीं अगर हम देखें तो आज का करेक्शन एक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी करेक्शन माना जाएगा, क्योंकि जब भी मार्केट में एक बहुत ही बड़ा बुल रन आता है तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है अगर कोई भी गिरावट नहीं आती है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी करेक्शन दिख रहा है जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्टली यस बैंक के बारे में। यस बैंक में अगर आप देखोगे यहाँ पे आज भारी गिरावट देखने को मिली है, करीबन 4% की आज आपको यस बैंक में गिरावट देखने को मिली है। जबकि अगर आप देखोगे दो तीन दिन पहले इसमें एक बड़ा मूवमेंट आया था, 10% के करीबन उछाल आया था, उसके बाद से इसमें थोड़े थोड़े से करेक्शन आने स्टार्ट हो गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये शेयर अभी जो है वो इतने बड़े मूवमेंट सस्टेन नहीं कर पाता है, तभी इसमें जब इसमें छोटे छोटे कोई अपसाइड मूवमेंट आते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं इस पर्टिकुलर शेयर के लिए, क्योंकि जब भी इसमें कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है तो उसके बाद आपको फिर इसमें करेक्शन देखने को मिलता है, वही आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। तो आज यहाँ पे करीबन आपको 4% की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, तो अभी भी आप देख पा रहे होंगे जो कैंडल है उसमें आपको रेड कैंडल्स भी देखने को मिल रही हैं, जबकि एक बड़ा मूवमेंट जो बड़ी यहाँ पे एक कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है वो एक बड़े मूवमेंट की कैंडल बनती हुई दिखाई दी थी। वहीं अगर हम इसके बोलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो अब यहाँ पे जो अपसाइड लाइन थी वो इसने नीचे से क्रॉस कर दी है, मतलब तब इसमें एक बड़ा मूवमेंट आया था तो अपसाइड पे बनी थी, लेकिन अब फिर से जो कैंडल्स हैं वो इसके अंडर ही बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आ सकता है। वहीं अब मैं डायरेक्टली आपको जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो बता देता हूँ, कल का दिन यस बैंक और उनके इन्वेस्टर्स के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कल यहाँ पे आपको यस बैंक की बोर्ड ऑफ मीटिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है फंड रेजिंग के मामले पे। जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप यस बैंक की न्यूज़ को ट्रैक करते हो तो आपको पता ही होना चाहिए कि यस बैंक में फंड रेजिंग की न्यूज़ बहुत दिनों से आ रही थी, और अगर हम बात करें तो कल के दिन आपको यहाँ पे हो सकता है इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे कोई बड़ा डिसीजन आता हुआ दिख जाए, जिसकी वजह से इसमें कोई बहुत बड़ा अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूवमेंट आने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई देते हैं। लेकिन मार्केट अनसर्टेन है तो कोई प्रेडिक्शन प्रॉपरली नहीं की जा सकती, तो अगर इसमें कोई फंड रेजिंग की कल न्यूज़ आ जाती है वो भी अच्छे सोर्सेज के थ्रू, तो आपको देखने को मिल सकता है इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट जो आपको 10% का देखने को मिला था कुछ ऐसा ही। लेकिन अगर इसमें आपको कोई नेगेटिव न्यूज़ अगर देखने को मिल जाती है या फिर कुछ ऐसा डिसीजन निकल के आता है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको इसमें हो सकता है बहुत बड़ा मूवमेंट नेगेटिव साइड में भी देखने को मिल जाए। तो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर हम बात करें यस बैंक के लिए, तो आप मार्केट में कल उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग करें। बाकी ओवरऑल जो अभी सिनेरियो है उस पर कोई भी प्रेडिक्शन करना सही नहीं रहेगा।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं BHEL के बारे में। जैसे कि आज ओवरऑल मार्केट में भी गिरावट थी, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि BHEL में भी आप 1.72% के करीबन आपको गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल ये शेयर काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है अगर हम थोड़े बहुत इसके पिछले दिनों के बारे में बात करें। वहीं इसमें अगर वॉल्यूम वाइज हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज भी होता हुआ हमें दिखाई दिया है, लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हमें दिखाई दे रहे हैं अगर हम इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो। वहीं अगर इसका आप जो प्राइस देख पा रहे होंगे वो करीबन 74.45 मतलब 74.45 के अराउंड चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो मनी कंट्रोल की तरफ से इसके बहुत ही शानदार टारगेट्स भी निकल के आए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि जो मनी कंट्रोल की तरफ से इसके टारगेट्स निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं 107 रुपये के, और ये जो टारगेट्स है वो 3 से 6 महीने के बीच में अचीव होते हुए आपको दिखाई देंगे, ऐसा रिपोर्ट में मानना है। वहीं अगर हम बात करें इसके जो लास्ट 2 ईयर्स के जो ब्रेकआउट्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं, और यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को आपको मिल रहा है BHEL के शेयर में, तो आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हो। अभी जो 74 रुपये के अराउंड इसका प्राइस चल रहा है, वहीं टारगेट 102 का लेके चल सकते हो, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा शेयर है अगर हम करेंटली मार्केट सिनेरियो के बारे में बात करें। बाकी मार्केट तो आप देख ही पा रहे होगे, मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा ही रहा है, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए जो आपको अच्छे खासे रिटर्न बना के जरूर दे दें। वहीं अगर हम इसके म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें दिखाई देती है। हाल ही में इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है, जो कि इसके फाइनेंशियल्स को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करते हुए नजर आ रही है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे निपॉन इंडिया आर्बिट्राज फंड ने अपनी अच्छी खासी होल्डिंग इंक्रीज की है BHEL के शेयर में, जिससे सीधा सीधा पता चलता है कि म्यूचुअल फंड्स के अगर हम बारे में बात करें इनको भी यहां पे इस शेयर में आने वाले टाइम में पोटेंशियल दिखाई देता है। तो वहीं अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो जिस अकॉर्डिंग इसमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में भी काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपको BHEL के बारे में टारगेट और इसकी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग दोनों चीज़ बता दी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। और वहीं मैंने आपको यस बैंक के बारे में भी बता दिया है कि कल के दिन आप थोड़ा सा कॉशियस बाइंग करें, क्योंकि कल आपको यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अपसाइड या फिर नेगेटिव मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट अनसर्टेन है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं। वहीं अगर आपको कोई डीमैट की रिक्वायरमेंट है, आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो अपस्टॉक में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां पे आपको 15 मिनट के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करा दिया, वहां जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।